बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था, उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए बहुत सारे मामलों में एक नजीर भी बनती हुई दिखाई दी है। लोग चर्चा करते हैं अक्सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे क्रिटिकल माना जाता था, 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। ये मॉडर्न प्रिजन वैन जो 56 की संख्या में आज यहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये हर प्रकार की तकनीकी युक्त एक ऐसे वैन है जहां पर जो पुलिस कर्मी रहेंगे वे तो सुरक्षित रहेंगे ही, कैदी को भी जेल से कोर्ट तक और कोर्ट से वापस सुरक्षित जेल तक पहुंचाने में इनके माध्यम से मदद मिलेगी। एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के साथ जोड़ने और आवश्यकता पड़ने पर पैनिक बटन का इस्तेमाल करने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक गतिविधि को कैद करने और ऑटो लॉक से उसे युक्त करने की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, आज वह यहां पर ये मॉडर्न प्रिजन वैन के रूप में उत्तर प्रदेश गृह विभाग और कारा विभाग, गृह विभाग कारागार विभाग के लिए इन सब का उपयोग करेगा।